एक और जहां प्रदेश सरकार ने सूबे में कोरोना संक्रमण के मद्देनजर रविवार को सभी व्यापारिक प्रतिष्ठान बंद रखने के आदेश दिए गए हैं, वहीं कुछ लोगों की लापरवाही लोगों पर भारी पड़ रही है। सरकार के दिशा निर्देशों के बावजूद सुंदरनगर में ढाबा और मिठाइयों की दुकानें खुली रही। बेशक पुलिस के द्वारा कुछ ढाबों पर कार्रवाई करते हुए इन्हें बंद भी करवाया गया, लेकिन इसके बावजूद मिठाइयों की दुकानें पूरा दिन खुली रही। बता दें कि सुंदरनगर कोरोना संक्रमण को लेकर पिछले एक माह से हॉटस्पॉट बना हुआ है। वही सुकेत व्यापार मंडल के संयोजक सुरेश कुमार ने कहा कि हर रविवार को दुकानें बंद करने के निर्देश जारी किए गए हैं, लेकिन सुंदरनगर में मिठाई विक्रेता दुकानें खोलकर बैठे हुए हैं। उन्होंने प्रशासन और पुलिस से अपील की है कि नियम तोड़ने वाले दुकानदारों के खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाए। सुरेश कुमार, सुकेत व्यापार मंडल संयोजक, आपके समक्ष हिमाचल सरकार ने जो हमें दिशा निर्देश दिए हैं कि 15 दिसंबर तक जो भी दुकानें हैं सारी बंद रहेगी, जिसमें कि डेली नीड की दुकानें जो है वो खुली रहेगी, जिसमें हमारे मेडिकल वाले हुए और हमारे दूध बेकरी वाले, सब्जी वाले। और हमें मालूम लगा कि सुंदरनगर के अंदर मिठाई की दुकानें खोल के जो है वो व्यापारी भाई बैठे हुए हैं, तो मेरा पुलिस प्रशासन से व प्रशासन से मांग है कि इनके ऊपर जल्दी से जल्दी कानूनी कार्रवाई की जाए, क्योंकि हमारे सुंदरनगर के अंदर व डिस्ट्रिक्ट मंडी में दिन में 120 से ज़्यादा जो है वो कोरोना पॉजिटिव के मरीज जो है वो आ रहे हैं। तो हमें हिमाचल सरकार से हमारा निवेदन है कि आप प्रशासन को बोल के इसकी आड़ में जो भी लोग जो है वो दुकानें खोल रहे हैं, तो इसके ऊपर जो है वो कानूनी कार्रवाई जो है वो की जाए। उज्जवल हिमाचल के लिए सुंदरनगर से उमेश भारद्वाज की रिपोर्ट।